हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। यानी कि आज के जो वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का ये वीडियो जो है हम टर्म टू के लिए लेकर आए हैं, यानी आप लोगों के हिंदी बी में जो टर्म टू का एग्ज़ाम होने वाला है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, व्हाट्सअप पर कॉमेंट आ रहा है कि सर मुझे टर्म टू के लिए तैयारी करवा दीजिए, मुझे प्रिपरेशन करवा दीजिए सब्जेक्टिव के लिए। अब आप हमें बताइए, आपके पास सिर्फ एक दिन का समय है। कितना समय है? एक दिन का समय है। और आपका मॉडल सेट जो है वो पांच सेट है। कितना है? पांच सेट है। अगर मैं सभी क्वेश्चन करा देता हूँ, पहले तो ये संभव नहीं है कि मैं सभी क्वेश्चन कराऊँगा। अगर मैं सभी क्वेश्चन करा देता हूँ तो आप यकीन जानिए, आप खुद उलझ कर रह जाइएगा इस पाँचों सेट में। यानी सबसे पहली बात, आपका सर में दर्द होगा, आपका पूरा माइंड डिस्टर्ब होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि आप जो जितने भी मॉडल क्वेश्चन आप लोगों का टर्म वन वाला जितना भी पढ़ाया गया है, उन सबको आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, सभी सेट को जाकर पहले देख लीजिए। वहाँ से तो कुछ क्वेश्चन तो कन्फर्म है, मान के चलिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों का कन्फर्म, वहाँ से 10-15 क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरी बात, आपके पास अभी इतना समय है, आप मॉडल क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला मॉडल क्वेश्चन तो सभी के पास होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जितने भी बच्चों के पास ये मॉडल क्वेश्चन है, तो आप उसको सरसरी निगाह से पाँचों क्वेश्चन को देखिए, किस चैप्टर से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। जिस चैप्टर से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, उस चैप्टर को आप कहानी को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। कहीं से भी कोई सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा, तो उम्मीद है मुझे कि आप वो आंसर बना बनाकर अपने से दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्लस पॉइंट है, मेरी बातों को याद रखिएगा, कल ये आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत काम आने वाला है। दूसरी बात, आज के इस वीडियोज़ में हम क्या हेल्प करने वाले हैं आप लोगों को, इस पाँचों सेट में से जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा वो मैं बताऊँगा। जो भी आपके लिए हेल्प करने का होगा मैं करूंगा, जो भी समझाने का होगा मैं समझाऊंगा। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, सभी का लिंक वहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, सवाल पर आते हैं, ठीक है, आपको समझाऊंगा। ये तो पैसेज है, सबसे पहली बात आप लोग डर जाते हैं कि मेरा तैयारी नहीं है। देखिए ये पैसेज है, पैसेज से भी बहुत सारे सवाल आएगा, पैसेज को पढ़िएगा अच्छे से। अच्छे से पैसेज पढ़ने के बाद आप जो है उसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से पैसेज आएगा, ठीक है। पैसेज से जुड़ा कुछ सवाल होगा तो आप उसको कर लीजिएगा। अब मैं ये सब इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि यही पैसेज आएगा, ठीक है। आप लोगों के पास समय नहीं है, ठीक है। आप खंड खो में देखिए, व्याकरण से कुछ आएगा सवाल, तो व्याकरण का जो सवाल जो है आप करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए एक सवाल हमको दिख रहा है, पिताजी ने मुझे पढ़ाकर सेना में भर्ती कराया, संयुक्त, तो ये तो हो गया। रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद आपको लिखना था, इसको व्याकरण में देख लीजिएगा, सबके पास व्याकरण का बुक होगा, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर में देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, आपके पास बुक होगा, इस पोएम को आप पढ़िए, इसका पूरा सारांश आप लोग पढ़िए, ठीक है। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय की बात किस बात का प्रतीक है, है ना। हिमालय तो देश का गौरव है ना, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, वो हिमालय क्या है, हमारे देश का क्या है, गौरव है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को बनाकर लिखना है। उसके बाद है, कर चले हम फिदा इस गीत में, सर कफन बांधने किसकी ओर संकेत करता है, यानी देश पर बलिदान देने के बात करता है, यानी कि कवि जो है इस बात पर जिक्र करता है। देखिए ये सब लॉजिक वाली बातें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कर चले हम फिदा इस गीत में, सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है। तो आपको लिखना है वहाँ पे, कर चले हम फिदा इस गीत में, सर पे कफन बांधना इस बात की ओर संकेत करता है कि हमें अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर ऐसा वक्त आ जाए कि हमें अपनी जान भी देनी पड़े, तो हमें अपनी जान देकर अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माता के जो क्या करना चाहिए, उनका रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एक कविता, आपको देखिए आत्मत्राण कविता हमें क्या संदेश देती है, तो ये तो आपको बुक पढ़ना होगा इसके लिए, ठीक है। तो ये सवाल देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुलेमान में कौन कौन से गुण थे, ये वाला सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आंसर में आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको हम बता देते हैं ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, हरिहर काका को महंत और अपने भाई की एक श्रेणी में क्यों लगने लगे थे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये इंपॉर्टेंट एक सवाल रचना में आपको मिलेगा कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर चरित्र प्रमाण प्राप्त करने हेतु अनुरोध करना है, तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेना है अपने प्रधानाध्यापक को। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ऊपर लिखना होता है सेवा में,
है ना, इस तरीका से लिखना होता है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, आप अपना स्कूल का नाम देंगे। विषय में लिखिएगा चरित्र प्रमाण पत्र लेने के संबंध में, विषय इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखना है आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेने के संबंध में। उसके बाद लिखिएगा महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ या कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, मेरा क्रमांक कितना है और मुझे, है ना, और मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ठीक है, किसी विशेष कार्य के लिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं, मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा, आपका आज्ञाकारी छात्र। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर को लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण दिया है, लॉकडाउन के दौरान अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। अब आपको क्या लिखना है इसमें, लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ है और अपने मित्र को क्या करना है, पत्र आपको लिख करके संबोधित करना है, उसके बाद चर्चा करना है। दिनचर्या यानी आपका दिन किस तरीके से कट रहा है लॉकडाउन में, तो आप लिखिएगा प्रिय मित्र आशु, उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे से होगे, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस लॉकडाउन के समय को मैं बहुत अच्छी तरीके से बिता रहा हूँ। मैं रोज़ सुबह सवेरे 5 बजे उठता हूँ, उठने के बाद मैं अपना ज़रूरी जो काम होता है उसे निपटा कर मैं पढ़ाई करता हूँ और घर पे माता पिता की सेवा करता हूँ। इस तरीके से मतलब आप क्या क्या करते थे लॉकडाउन में, सारा बात लिख दीजिएगा और अंत कर दीजिएगा, यह पत्र का अंत हो जाएगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद आपको दिए गए बिंदुओं में किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है आपको, ठीक है, यानी कि एक निबंध टाइप का लिखना है। पुस्तकालय का महत्व, ठीक है, पुस्तकालय का महत्व आप देखिए मुख्य बिंदु, मतलब पुस्तकालय का अर्थ, पुस्तकालय का अर्थ का मतलब पुस्तकालय क्या होता है, जहाँ पे पुस्तकों का भंडार होता है, जहाँ पे पुस्तकें रखी जाती है, ठीक है, पुस्तकालयों के नियम और उसका सदुपयोग, पुस्तकालय इसके बारे में लिखना है आपको। सबसे पहले पुस्तकालय होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या रखा जाता है, तो पुस्तकें रखी जाती है। पुस्तकालय के नियम क्या होते हैं कि जो आप बुक लेने गए हैं वहाँ से आपको बुक लेना पड़ता है, वहाँ पर साइन करना पड़ता है, उसके बाद अपने बुक को आप ला के घर में पढ़ सकते हैं, पढ़ के फिर उसको नियमानुसार वहाँ पर जमा करना होता है, ठीक है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। पुस्तकालय की ज्ञान की प्राप्ति की भूमिका यानी पुस्तकालय जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये इसलिए आवश्यक है कि जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, जो निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो महंगी महंगी किताबें खरीद सकते हैं, इसलिए वे क्या करते हैं, पुस्तकालयों का हेल्प लेते हैं, है ना, पुस्तकालय से मदद मिलती है उन्हें आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद यदि अगर आपको यह देता है, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, संकेत बिंदु विविधताओं में देश भारत धर्म मूल स्वरूप भाईचारा के, इसके बारे में आपको लिखना है, यानी कि इसका कहने का मतलब है एक टॉपिक दिया आपको मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना है, इस पर आपको जो है कुछ चंद लिखना है, और यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बिंदु विविधताओं वाला देश भारत इसके बारे में आपको लिखना, धर्म का मूल स्वरूप लिखना है, भाईचारा और सद्भावना के बारे में भी आपको लिखना होगा। तो आप लोग इसमें अब लिखिएगा कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखने का अब तात्पर्य यही है कि हम लोग जो है आप भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी प्रकार के यानी सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं, सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सभी की भाषा अलग है, सभी के पहनावे अलग हैं, सभी के रहन सहन अलग है, फिर भी यहाँ पर क्या है विविधता यानी कि अनेक प्रकार की विविधता होने के बावजूद यहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ पर्व मनाते हैं, ये एक दूसरे के त्यौहारों में शामिल होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को बना बनाकर कम से कम 10 लाइन आप लोगों को लिखना होगा इसके बारे में, ठीक है, और ये जो है हमारे देश का जो है एकता में अनेकता में एकता वाली बात है, है ना, तो इस तरह से मिला मिलाकर लिख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, सोचा इसके बारे में भी आप लोगों को डिस्कस कर दूँ, कुछ लोग बाजार में मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इस संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को क्या करना है, 2 मित्र को संवाद लिखना है, संवाद का मतलब हो गया बातचीत। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, जैसे एक तरफ एक राम लिखिएगा, राम लिखने के बाद राम कह रहा है राम श्याम से, राम श्याम से, इस तरह से राम श्याम से क्या कह रहा है डैश देकर के लिखिए, ठीक है, श्याम तुमने मास्क क्यों नहीं पहना, श्याम कह दिया, अब श्याम राम से, अब वो कहेगा कि मुझे मास्क पहनना अच्छा नहीं लगता, मुझे काफ़ी गर्मी लगता है, फिर कहेगा राम, फिर आप दीजिएगा राम, राम लिख करके डैश दीजिएगा, राम अब क्या कहेगा, नहीं मित्र तुम्हें मास्क पहनना चाहिए क्योंकि इससे हमें सुरक्षा मिलती है, ठीक है, फिर श्याम बोलेगा, फिर श्याम लिख करके डैश दिखिएगा, श्याम क्या बोला, यानी दोनों के बीच संवाद, दोनों के बीच बातचीत, यानी आप अपने आप को एक अपने दोस्त को रख दीजिए, ठीक है, आप उसको बोल रहे हैं फिर वो आपको जवाब दे रहा है, इस तरीका से संवाद करेगा कि मुझे गर्मी लगता है इसलिए मैं मास्क नहीं पहनता हूँ, फिर आप उसको समझाइएगा नहीं मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होगा कि हम लोग कोरोना वायरस से बचे रहेंगे, अभी इसका कोई भी दवा प्रॉपर तरीके से नहीं निकला है, है ना, इसलिए हम लोग इससे बचने के लिए मास्क को अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए और हम लोग अपने फैमिली को भी इससे
प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा, यानी संवाद करना, यही हम आपको समझाना चाहते थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब सवाल, कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 5-5 नंबर के सवाल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो छोड़ के नहीं आना है। संवाद का मतलब बातचीत, दो मित्र के बीच बातचीत, एक अपना नाम रख दीजिएगा, एक अपने मित्र का नाम लिख दिया, आप अपना नाम लिख के डैश दीजिएगा, आप क्या कह रहे हैं अपने मित्र से मार्क्स के बारे में, फिर आपका मित्र आपको क्या रिप्लाई दे रहा है मार्क्स के बारे में, यानी समझ लीजिए कि आप लोग व्हाट्सअप पर चैट कर रहे हैं। ठीक है, उसी चैट को आप लोग को टाइप करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेट नंबर 2 में आ चुके हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिया जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद उसका आंसर कर लीजिएगा आप लोग अपने से। ठीक है, ग्रामर्स में से देखिए संयुक्त वाक्य है जो है किसे कहते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिएगा आप लोग ग्रामर में। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। समुद्र में गुस्से की क्या वजह थी और उसने अपना गुस्सा किस प्रकार से निकाला। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसने क्या कारण थे। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को देखकर जाना है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक अगला इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है कि अपने क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है। थाना अध्यक्ष जो होता है ना उसको एक पत्र लिखना है और अपराध की रोकथाम हेतु, तो आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा वहाँ पे सेवा में थाना अध्यक्ष, आप अपने शहर का नाम जिस शहर में आप रहते हैं लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा विषय अपराध रोकथाम हेतु। ठीक है, अपराध बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु विषय में दे दीजिएगा। महाशय सभी ने निवेदन यह है कि हमारे मोहल्ले में 2-3 दिनों से चोरी का अंजाम दिया जा रहा है, कुछ कुछ सामान वहाँ पर शो कर दीजिएगा कि ये सामान हमारे पड़ोस से चोरी हो गई है, अतः महाशय से निवेदन है कि जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई की जाए और इसके रोकथाम के लिए एक उचित उपाय किया जाए। इसके लिए मैं और मेरा समाज आपका आभारी रहूँगा, आपका विश्वासी। ठीक है, आपका विश्वासी लिख करके नीचे साइन कर दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट है अपने मित्र के जन्मदिन पर शुभकामना देते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो मित्र का जन्मदिन है उसको उसी प्रकार से लिखना है, प्रिय मित्र राजीव, इस तरह से लिख दीजिएगा, प्रिय मित्र राजीव, आशा करता हूँ तुम कुशल व मंगल से होगे, मैं भी यहाँ कुशल मंगल से हूँ। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आगामी इतना तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है और इसी जन्मदिन के बधाई देने के लिए मैं ये पत्र तुम्हें लिख रहा हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी दीर्घायु की, कि तुम सदा इसी प्रकार जो है अपने पथ पर यानी अपने जीवन पर आगे बढ़ते रहो और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते रहो। इस प्रकार से लिख दीजिएगा तुम्हारा प्रिय मित्र, नीचे एंड कर दीजिएगा आपको। तो देखिए इसमें बार अगला सवाल क्या है, जल्दी जल्दी आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास समय भी नहीं है और आप लोगों को पूरा वीडियोस देखना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको निम्नलिखित में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का मतलब एक तरह का निबंध ही होता है, आप लोगों को उसके बारे में लिखना है। सफलता की प्राप्ति में आत्मविश्वास की भूमिका, ठीक है, इसके बारे में आत्मविश्वास का अभिप्राय क्या है, आत्मविश्वास का महत्व क्या है, आत्मविश्वास सफलता क्या है। देखिए अगर ये वाला आएगा तो आत्मविश्वास के बारे में आप लोग लिखना, आत्मविश्वास का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो लिखना है आपको आत्मविश्वास वह चीज़ होती है जिसमें व्यक्ति को खुद को विश्वास दिलाना होता है कि वह एक काम कर सकता है अच्छे से। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं। और आत्मविश्वास जिसके अंदर आ जाता है ना तो वो उस काम को अच्छे से कर पाता है। जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है वो चाहकर भी वो काम नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर उसके अंदर क्षमता भी होती है करने की, वो करने की क्षमता भी होती है, लेकिन अगर उसमें आत्मविश्वास नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, वो हार मान लेगा। ठीक है, एक तरह से यानी कि खुद पर बिलीव करना, खुद पर विश्वास करना ही आत्मविश्वास होता है। इसी के बारे में 5-10 लाइन आप लोगों को बना बना कर लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा अगला इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, गृह कार्य ना कर पाने के कारण छात्र और अध्यापक के बीच संवाद लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संवाद है, यहाँ पे टॉपिक है। ठीक है, यानी बातचीत लिखना है तो सबसे पहले आप लोग अध्यापक लिखिएगा। अध्यापक लिखने के बाद वहाँ पे डैश देकर के लिखिएगा राम, क्या तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया। उसके बाद राम लिख करके डैश दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सर हमने अपना कार्य इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। ठीक है, फिर लिखिएगा अध्यापक लिख करके उसके बाद फिर उसकी बात को लिखिएगा, यानी कि एक तरह का व्हाट्सअप मैसेज जैसे आप चैटिंग करते हैं इस प्रकार से आप लोगों को चैटिंग करना है। 5-10 लाइन आप लोगों को चैट करना है। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल है अगला, ये वाला आपका, छू ना पाए सीता का दामन कोई से आपका क्या तात्पर्य। इसका तात्पर्य है कि हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं वो सीता के समान हैं, हमें सीता के समान उसे मानना चाहिए, और जो है कोई भी बाहरी व्यक्ति जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का होता है वो जो है हमारे देश की जो महिलाएँ हैं उन पर कोई भी आँच नहीं आना चाहिए उनके कारण। ठीक है, ये इसी प्रकार से आप लोग को 2-4 लाइन बनाकर आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज के किन विसंगतियों को व्यंग किया गया है, तो इसके आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया के बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो है कहानी के आधार पर इसके क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, यानी कहानी आप लोग पढ़ के जाइएगा या हरिहर काका से क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल ये देखिए, किसी अस्पताल के प्रबंधन पर असंतोष व्यक्त करते हुए अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को एक पत्र लिखना है, यानी कि अस्पताल का जो व्यवस्था है उससे आप खुश नहीं है, इसलिए आपको जो चिकित्सा अधीक्षक को एक पत्र लिखना है। तो आप लोगों को लिखना है सेवा में जिला चिकित्सा अधीक्षक, आप अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा, विषय लिख दीजिएगा अस्पताल प्रबंधन शिकायत हेतु लिख दीजिएगा, उसको लिखिएगा महाशय सविनय निवेदन यह है कि आपके जो सदर जो भी अस्पताल होगा आपका अस्पताल का नाम लिखिएगा, यहाँ पर जो है प्रबंधन जो है बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, क्या क्या कमी है, यहाँ पे पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी है, साफ़ सफाई की कमी है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा, वहाँ पे डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, इस तरह से कुछ भी लिख दीजिएगा। अतः आपसे श्रीमान से निवेदन है कि इस उपरोक्त विषय पर जल्द ही ठोस कार्रवाई लिया जाए, ये सब कंप्लेन करके नीचे आप लोग को लिख देना है, उपरोक्त विषय पर ठोस कार्रवाई ली जाए, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा, ठीक है, इस तरह से इसको अंत कर देना है। इसके बाद जो अगला है हमारा इंपॉर्टेंट, इसमें कह रहा है किसी अन्य राज्य में रहने वाले अपने मित्र को झारखंड के किसी पर्यटन स्थल के बारे में बताते हुए लिखिए, ठीक है। तो आप लोगों का क्या करना है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि रमेश जो है आपका एक मित्र है, वो बिहार में रहता है, कहाँ रहता है, बिहार में रहता है, तो आप उसको एक पत्र लिख रहे हैं, आपके अपने झारखंड में कोई घूमने वाली जगह होगी तो वहाँ पर उसके बारे में चर्चा करना है। तो जैसे कि हमारे झारखंड में क्या है, तो झारखंड में हमारा घूमने वाली जगह जैसे कि आप लोगों का फेमस जगह है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और जो भी पर्यटन स्थल है उसके बारे में आप लिख दीजिए, जो जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो उसके बारे में आप लिखना है, प्रिय मित्र उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे से होगे, मैं भी यहाँ कुशल से हूँ, आगामी इतना तारीख को हमारी स्कूल की छुट्टी है, तुम हमारे यहाँ घूमने आओ, मैं तुम्हें अपने यहाँ के वो जगह पर ले जाऊँगा घुमाने के लिए, ठीक है ना, वो काफ़ी अच्छा जगह है, उसके बारे में उसका तारीफ़ करना है, वहाँ पर इस तरह से मान लीजिए कोई झरना आपको दिखाना है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग जिक्र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप फेमस जगह जो है नेतरहाट आप लोगों को ले जाना है, नेतरहाट के बारे में चर्चा कर सकते हैं, रांची के जो है पर्यटन स्थल जो है वहाँ पर जू है या फिर आरकू पार्क है, उसके बारे में आप वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं कि तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा, उसके बारे में दो चार लाइन लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट देखिए, विलंब से घर लौटने पर माँ और पुत्री के बीच संवाद आपको लिखना होगा, यानी कि फिर संवाद, देखिए संवाद वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपके एग्जाम में एकदम देखने को मिलेगा। तो कोई भी टॉपिक हो, संवाद आ जाएगा किसी के बीच में हो, तो दोनों के बीच में बस सिर्फ आपको व्हाट्सअप चैट जैसे आप लोग करते हैं ना, पहले उसका मैसेज आता है, फिर आप मैसेज करते हैं, फिर उसका मैसेज आता है, फिर आप मैसेज करते हैं, इस तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, माँ बेटी है, ठीक है ना, तो माँ बेटी है तो सबसे पहले सवाल कौन करेगा, माँ करेगी, माँ माँ लिख करके डाल दे क्या, इतनी देर तक तुम कहाँ थी, ठीक है, लिख दिए, फिर लिखिएगी बेटी, माँ मैं पुष्पा यानी मेरी सहेली पुष्पा के यहाँ गई थी, वहीं लेट हो गया, इसके बाद फिर लिखेगी माँ तुम्हें इतनी देर वहाँ नहीं रहना चाहिए, फिर उसके बाद लिखिएगा बेटी, बेटी क्या, यानी सेम टू सेम व्हाट्सअप चैट, ठीक है, व्हाट्सअप चैट के साथ यही संवाद का मतलब क्या है, दोनों के बीच के बातचीत, यानी सेम टू सेम व्हाट्सअप चैट आपको वहाँ पर टाइप करना है, ज़्यादा नहीं 10-12 लाइन आप चैट कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, देखिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं प्रार्थना के अतिरिक्त जो है उसको प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से पूरी मेहनत कर सकता हूं, या फिर उसको प्राप्त करने के लिए उचित तरीके अपनाया जा सकता है, ठीक है। कर चले हम फिदा में गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है, ठीक है, तो धरती जो है हमारी दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो है इस धरती पर हमारी धरती जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ के लोग यहाँ की विभिन्नता यहाँ पर जो धार्मिक जो सौहार्द है इसके कारण जो है हमारी धरती बिल्कुल सजी हुई है, इसलिए इसको दुल्हन कहा गया है। इस तरह से बना बना कर कुछ भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कॉपी आपको खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पाठ के आधार पर, पाठ के आधार पर बताएं कि बढ़ती हुई आबादी पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों को बताना भैया, बढ़ती हुई जो आबादी है इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको लिखना है कि पाठ के आधार पर बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव ज़्यादातर जो है आप लोग देखिएगा कि वनों पर पड़ता है, अधिक आबादी है तो यहाँ पे वनों की कटाई अधिक हो रही है, उसके बाद फिर आपका खेती जो होती है खेती पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, लोग घर बनाने के लिए आप देखिएगा खेत में भी घर बना रहे तो वहाँ पे अब क्या होता है फसल नहीं उग रहा है, ठीक है ना, तो लोग ज़्यादा सामान को यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिएगा पूरा पर्यावरण जो है बढ़ती जनसंख्या के कारण भी प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद है हरिहर काका के साथ उनके सगे भाइयों का व्यवहार,
क्यों बदल गया था, तो ये आप लोग कहानी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कहानी पढ़ के इसका आंसर कर लीजिएगा। स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की गंदगी के विषय में एक शिकायत पत्र लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे एक पत्र आ गया है आपका स्वास्थ्य अधिकारी, तो वहाँ पे आप लोगों को लिखना है सेवा में स्वास्थ्य, मेन है ऊपर वाला लाइन ही आप लोगों को लिखने नहीं आएगा, नहीं कुछ भी कुछ नहीं करना है, बस सेवा में लिख करके जिस पर बोला है बस उसको लिख दिए, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी अपने शहर का नाम, जैसे आपका दुमका है तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी दुमका झारखंड लिख दिए। विषय मोहल्ले में गंदगी, मोहल्ले में गंदगी को सफाई करने के संबंध में। महाशय सभी ने निवेदन यह है कि मेरा मोहल्ले का नाम यह है, मेरा वार्ड नंबर इतना है, उसके बाद लिखना है कि इस मोहल्ले में नाली और कचरे की सफाई बिल्कुल नहीं हो पा रही, जिसके कारण काफ़ी गंदगी हो गई है और यहाँ पर जो है महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो रहा है, अतः आपसे निवेदन है कि जल्द ही इस पर कोई ठोस कार्रवाई किया जाए और यहाँ की साफ़ सफाई कराया जाए, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। इस प्रकार से आपको लिख करके ख़त्म कर देना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा पिताजी को विद्यालय को वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए पत्र लिखना है, यानी कि सालाना जो भी फंक्शन होता है आप लोगों के स्कूल में वार्षिक में, उसका उत्सव का वर्णन करना है, ठीक है, पिताजी को। तो आप लोगों को लिखना है पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, आशा करता हूँ कि आप लोग वहाँ कुशल से होंगे, मैं भी यहाँ कुशल से हूँ। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आगामी इतना तारीख को जो है हमारे विद्यालय में जो है वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए मुझे कुछ जो है कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके कारण मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, ठीक है। इस तरह से बातचीत कीजिएगा उसके, मैं इसमें फंक्शन में भाग ले रहा हूँ और मुझे कुछ ड्रेस लेने के लिए या कुछ कपड़े लेने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो आपसे निवेदन है कि मुझे जो है कुछ पैसे पार्सल कर दीजिए या मनी ऑर्डर कर दीजिए, मैं मुझे काफ़ी आवश्यकता है। इस तरह से लिख करके बातचीत खत्म कर दीजिएगा, पिताजी से बात हो रहा है, उसके बाद आपका आपका जो है प्रिय पुत्र पुत्र लिख करके आप अपना नाम लिख दीजिएगा, पुत्री है तो पुत्री लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों को दिया है एक विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए दिया गया, युवाओं का दूरदर्शन पर प्रभाव। दूरदर्शन का मतलब क्या होता है, ये मत सोचिएगा दूरदर्शन आपका जो डिजिटल चैनल है, दूरदर्शन का मतलब हो गया कि आप टेलीविज़न देख रहे हैं सैटेलाइट के मदद से, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, तो युवाओं का दूरदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिएगा आज के युग में युवाओं का दूरदर्शन पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा है। युवा आजकल जो है मनोरंजन की ओर आकर्षित होते हैं और इसके लिए वो दूरदर्शन का उपयोग करते हैं। युवा जो है न्यूज़ की और समाचार को और जो है आकर्षित हो रहे हैं आजकल, और उन्हें करंट इवेंट्स यानी कि रोज़मर्रा की घटनाओं को सुनना जानना, उसकी इच्छाओं को जानना उसके काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये वो भी दूरदर्शन की सहायता से संभव हो पाया है, ठीक है। इस प्रकार से लिखिएगा, लास्ट में निष्कर्ष आपको दे देना है वहाँ पे कि इस प्रकार से जो है दूरदर्शन जो है युवाओं के लिए काफ़ी एक सुनहरा मौका बनकर आया है उनके ज्ञान के लिए, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मेरा आदर्श महापुरुष है ना, मेरा आदर्श महापुरुष ये है आपका ऑप्शन नंबर ख। इसमें आपको क्या करना है, आदर्श महापुरुष यानी कि जितने भी महापुरुष हैं, जैसे कि महात्मा गांधी है, उसके बाद जो है हमारा राजेंद्र प्रसाद हैं, APJ अब्दुल कलाम है, तो कौन से आपको अपने महापुरुष के बारे में लिखना है, आपका जो है महापुरुष कौन है, ठीक है। तो जो भी है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना है, पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों के पास नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आप लिख लीजिएगा जीवनी सबका पढ़ के जाइए। जैसे महात्मा गांधी के बारे में आप सोच के जा रहे हैं कि अगर ये वाला सवाल आएगा तो हम महात्मा गांधी के बारे में लिखेंगे, तो उसके बारे में एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में लिख लीजिएगा, आप APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखना चाहते हैं तो उनके बारे में लिख लीजिएगा, भगत सिंह के बारे में लिखना चाहते हैं तो उनके बारे में लिख लीजिएगा, जिसके बारे में भी आपको लिखना, जो महापुरुष आपके लिए फेवरेट है उसके बारे में 10 लाइन आप पढ़कर जाइए, ताकि आप वहां पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको वहां पर लिख कर आना है, छोड़कर नहीं आना है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है, तो आप लोगों का जो ये एग्जाम थोड़ा सा टफ जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप लोगों को अगर मैं आंसर नहीं बता पा रहा हूँ समय कम होने के कारण, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास भी जो है ये वाला बुक उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं अपने अनुभव से आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा बताया हुआ कुछ भी काम आ जाए आप लोगों के लिए तो मैं बहुत बहुत अच्छा महसूस करूँगा कि चलिए मेरा बताया हुआ कुछ भी आप लोगों के लिए काम आ गया है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा उन सभी बच्चों तक जिनको अभी तक जो है प्रिपरेशन नहीं हो पाया, क्योंकि ये आखिरी वीडियोस है, ठीक है ना, ये आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद आप लोगों से देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि देश में बढ़ती महंगाई के संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद लिखना है, फिर व्हाट्सअप चैट। जब भी संवाद आएगा बस याद रखिएगा कि आप लोग व्हाट्सअप पे चैट कर रहे हैं। अब जैसे कि यह क्वेश्चन है, अब इसके आंसर में आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा, अब दो मित्र एक का नाम लिख दीजिए राजू, एक का नाम लिख लीजिए श्याम। तो राजू अब क्या बोलेगा, श्याम आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और सभी चीज़ों पर जो है पैसा महंगाई बढ़ती जा रही है। श्याम कहेगा कि हाँ बिल्कुल आजकल महंगाई बढ़ गई है, किताब कॉपियों पर भी जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कीमतें बढ़ती जा रही है। फिर राजू बोलेगा कि इस तरह से हर सामान के बारे में आप लोग चर्चा कीजिएगा, यार ऐसे हो गया यार, नहीं लिखिएगा, ठीक है ना।
मतलब कि अपना भाषा में, अच्छी भाषा में लिखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग दो मित्र जो है ना आपस में बात करेगा महंगाई पर, किताब कॉपी के महंगाई पर, चावल दाल की महंगाई पर, पेट्रोल की महंगाई पर, है ना। इस प्रकार से वो सभी चीज़ की महंगाई पर बात करेगा। बस संवाद, संवाद का मतलब है अच्छा ये महंगाई क्यों हो रही है, तो ये महंगाई हो रही है आपका जैसे कि विदेशों में युद्ध हो रहा है, वहाँ से सामान नहीं आ पा रहा है, आपके मन में जो भी है आप उसको लिख सकते हैं वहाँ पर। किसानों की पैदावार नहीं हो रही है, अब जैसे कि श्याम जो है राजू से पूछेगा अच्छा राजू एक बात बताओ ये महंगाई बढ़ क्यों रही है, तो राजू जो है यहाँ पे बोलेगा कि इस बार जो है चावल की खेती अच्छी नहीं हो पाई, बारिश हो गई थी तो सारा फसल नष्ट हो गया, इस कारण से जो चावल की जो है कीमतों में वृद्धि हो गई है। तो इस प्रकार से संवाद यानी कि बात व्हाट्सअप चैट आप लोगों को वहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है ना, समझ गए आप। चलिए, और ये वाला क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ बार बार मेरे सामने आ जा रहा है संयुक्त वाक्य, कहीं ऐसा ना हो कि ये आप लोगों के एग्जाम में आ जाए। तो चलिए इसके आंसर को हम बता देते हैं, आप लोग इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिए। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य, सबसे पहले लिखिएगा आंसर में, ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य उपवाक्य शामिल हों। ऐसे, फिर से हम बता रहे हैं, नोट कीजिएगा इसको, ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य, उपवाक्य लिखिएगा उपवाक्य, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान हों, एवं सभी उपवाक्य प्रधान हों, उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है, उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को उदाहरण भी देना है, देखिए यहाँ पे उदाहरण भी देना है। उदाहरण में आप लोग लिखिएगा राम बीमार था, पहला उदाहरण राम बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ पाया, राम बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ पाया। दूसरा उदाहरण लिखिएगा मैं स्कूल आया और वह घर चला गया, मैं स्कूल आया और वह घर चला गया। तीसरा एग्जाम्पल लिखिएगा राम ने परीक्षा में बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हो पाया, राम ने परीक्षा में मेहनत की किंतु सफल नहीं हो पाया, ठीक है। तो यानी इसमें जो होता क्या है, संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को मिला दिया जाता है, यानी दो छोटे छोटे वाक्यों को और से, एवं से, फिर से, या से, अथवा से, परंतु से, इसलिए से, तथा से, इस तरह से जो है दोनों वाक्यों को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे नीचे वाले में बोला है कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने संयुक्त वाक्य के बारे में आपको बता दिया, अब सरल वाक्य के बारे में आपको बताऊंगा। अगर ये पूछेगा एक एक करके अलग अलग पूछेगा तो आपको अलग अलग लिखना है। अगर आप लोगों को पूछ देगा सरल वाक्य संयुक्त वाक्य में अंतर कीजिए तो दोनों को एक साथ लिख दीजिएगा, ठीक है, एक एक करके लिख दीजिएगा। तो सरल वाक्य में आपको लिखना है कि ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया एवं एक ही कर्ता हो, ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया इस तरह से लिखिएगा, ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक ही कर्ता हो, ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया और एक ही कर्ता हो, और उन वाक्यों का एक ही उद्देश्य हो, एक ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है, इसके उदाहरण में लिखिएगा, उदाहरण देकर के एग्जाम्पल देना है। राधिका नाचती है, बालक सोता रहता है, पूजा गाना गाती है, चौथा एग्जाम्पल मेरी माता खाना बना रही है। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, पता नहीं मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, बार बार ये मेरे सामने आ रहा था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसका आंसर आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए ये वाला सवाल है, बार बार आपका आ रहा है, मधुरिमा बाजार गई और उसे कपड़े खरीदने थे, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य का मतलब अभी हमने आपको बता दिया था कि दो उपवाक्य को मिला करके आपको लिखना है। देखिए मधुरिमा बाजार गई, ठीक है, एक वाक्य हो गया, उसे कपड़े खरीदने थे, ये दूसरा वाक्य हो गया, इन दोनों को मिला करके अब एक वाक्य बनाना है। तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा मधुरिमा बाजार गई, ठीक है, क्योंकि उसे कपड़े, क्योंकि तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि नहीं लगाना, मधुरिमा बाजार गई लेकिन उसने कपड़े नहीं खरीदे, ठीक है, या फिर मधुरिमा बाजार गई ताकि वो कपड़े खरीदे, ठीक है, इस प्रकार से आप लिखना है मिला करके। अभी हमने आपको बताया था कि जो ये वाक्य होता है संयुक्त वाक्य, उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि दो उपवाक्य होगा, छोटा छोटा, एक इधर वाला, दो उपवाक्य होगा, और इसको हम लोग और, एवं, फिर, या, अथवा, परंतु, इसलिए, इस तरह से वर्डों का इस्तेमाल करके इसको मिला करके लिखेंगे तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये संयुक्त वाक्य का मतलब दिमाग में आप लोग फिट कर लीजिए, दो उपवाक्य को मिला करके लिखना है, उसको जोड़ करके लिखना है, ठीक है ना।
इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 8, निदा फाजली का जीवन का परिचय प्रस्तुत करना है। आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। और उसके बाद हमारा पत्र है, दीदी की शादी पर अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है, यानी छुट्टी लेना है आपके दीदी की शादी के लिए, तो यह भी लिख लीजिएगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, अपने स्कूल का नाम दीजिएगा वहाँ पे, फिर उसके बाद लिखिएगा विषय में छुट्टी लेने के संबंध में, महाशय सभी ने निवेदन यह है कि मेरी बड़ी बहन की शादी है इतना तारीख को, इसलिए मैं इतना से इतना तक विद्यालय नहीं आ पाऊँगा, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे इतना से इतना तारीख तक की छुट्टी प्रदान की जाए, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम उम्र लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, भाई की शादी पर अपने मित्र को एक निमंत्रण पत्र लिखना है, मित्र को एक निमंत्रण पत्र देना है आपको, तो लिखिएगा प्रिय मित्र राजू, आशा करता हूँ कि तुम कुशल व मंगल से होगे, मैं भी यहाँ कुशल मंगल से हूँ, ये बात बताते हुए तुम्हें बहुत खुशी हो रही है कि आगामी इतना तारीख को मेरी किसका भाई की शादी, आगामी इतना तारीख को मेरे तारीख लिख दीजिएगा, मेरे भाई की शादी है, इसलिए मैं तुम्हें पूरे परिवार के साथ आमंत्रित करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम इस शादी में जरूर आओगे, तुम्हारे आने से और तुम्हारे परिवार के आने से मुझे काफ़ी खुशी होगी, ठीक है। इस तरह से लिख करके तुम्हारा प्रिय मित्र लिख करके एंड कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा दिए गए बिंदुओं पर आधारित अनुच्छेद आपको लिखना है, शिक्षा में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता, यानी कि अभी आप क्या कर रहे हैं, मेरे मोबाइल फ़ोन से ही ना आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। भूमिका लिखना है, सदुपयोग लिखना है, दुरुपयोग निकालना है, निष्कर्ष लिखना है। सबसे पहले भूमिका लिखना है, तो आप लोगों को लिखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन की जो बहुत अधिक भूमिका है, आजकल यह शिक्षा प्राप्त करना काफ़ी आसान हो गया, हम घर बैठे जो है दूर के शिक्षकों से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका सदुपयोग के बारे में लिखिएगा, इससे जो है हम लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका दुरुपयोग लिखिएगा, इसका काफ़ी सदुपयोग के अलावा इसका दुरुपयोग भी है कि हम जो है इस पर बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष आप लोगों को क्या लास्ट में निकालना है कि निष्कर्ष में यही निकाल दीजिएगा कि मोबाइल जो है अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि अच्छा उसके लिए है जो इसका सदुपयोग करेगा और बुरा उसके लिए जो इसका दुरुपयोग करेगा। इस प्रकार से आप लोग अपना निष्कर्ष निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, यानी हमारा जो समाज है इसमें भ्रष्टाचार जो घुसखोरी चलता है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको लिखना है। आपको लिखना है कि हमारे जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आप कोई भी छोटा मोटा काम कराने के लिए जो है भ्रष्ट लोगों की जो तादाद बढ़ गई है, हमें हर एक चीज़ में जो है थोड़ी बहुत जो है पैसे खिलाना पड़ता है। कोई भी काम सरकारी काम विभाग में जो है आपको जाइए, मतलब कि वहाँ पर देखिएगा पैसे, बिना पैसे के कोई काम नहीं होगा, तो यानी इसके बारे में आपको लिखना है। सामाजिक जीवन का महत्व लिखना है, भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार से प्रभावित सामाजिक जीवन लिखना है, ठीक है। कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय क्या करना चाहिए, तो भ्रष्टाचार दूर करने का उपाय बस यही है कि हर एक नागरिक यह ठान ले कि हमें जो है किसी भी कीमत पर जो है हमें जो है किसी भी काम के लिए किसी को कुछ घूस नहीं देना है और भ्रष्टाचार का जो है बढ़ावा नहीं देना है। ये नागरिक ही फैसला करेगा तभी ये हो पाएगा, ठीक है। तीसरा से लिखिएगा, आखिरी संवाद देखिए क्या यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानाध्यापक और शिक्षार्थी के बीच नामांकन हेतु बातचीत पर संवाद लिखना है, यानी अब जो चैटिंग होगा आप लोगों के पास प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल होगा और एक तरफ आप होंगे, तो सबसे पहले आप लिखिएगा, ठीक है ना, आप लिखिएगा वहाँ पर मैं स्वयं लिखिएगा, स्वयं लिख करके आप लिखिएगा, सर मेरा नाम यह है और मैं जो है आपके विद्यालय में इतना कक्षा में प्रवेश लेना चाहता हूँ, मेरा जो है क्लास 9 में या क्लास 8 में इतना नंबर आया था। उसके बाद प्रधानाध्यापक जो है वहाँ पे लिखेंगे अपनी बात कि ठीक है आप अपना जो है ये कागज़ लेकर के आप आ जाइएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर वो लिखेगा सर मैं कब आऊँगा, कितने बजे आऊँगा, फिर वो वहाँ से रिप्लाई आएगा आप इतना बजे आइएगा, ठीक है। इसी तरह से कर करके उनको धन्यवाद बोल करके ख़त्म कर दीजिएगा। 5-10 लाइन आपको बातचीत लिखना है मास्टर और विद्यार्थी के बीच में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन पर दबा दीजिएगा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलेंगे जल्दी अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।